अल्लाह क्या चीज़ है? कौन सा इलाका? साउथ इंडिया, मद्रास, मलाबार, हैदराबाद, दक्कन, सेरिंगपट्टनम, कांचीपुरम का पूरा इलाका, ये पूरी पट्टी आ जाए, उधर श्रीलंका का निचला तराई का इलाका, ये सारा हुआ। यानी इधर से बांग्लादेश की साइड से लेंगे, इधर किस अगरचे अदरक को पूरे भर संगीत में पेश किया जाता है, लेकिन केरला में उगाया जाने वाला अदरक दूसरे मकाम से ज़्यादा बेहतर और अच्छी किस्म का होता है। इसकी खुशबू और जायका बढ़िया होता है। अदरक ताज़ा खुश दोनों मतों में पाया जाता है, दोनों में मौसर रज़ाई अहमियत होती है। चूँकि इसका अपना जायका ज़्यादा खुशगवार नहीं होता, चुनाचा इसे इस्तेमाल करने के लिए गिलवासा तरीके अख्तियार कर लिए गए हैं। इसे सब्जियों में डाला जाता है, कुछ अदरक इसे सुखाने से पहले छील दिया जाता है, गर्म मसालों पर चुका है। इसकी अहमियत का सबब जायका, तेल, शुगर और तरबी अफादियत है। अदरक के 100 ग्राम में 80.9% रतूबत, 2.3% प्रोटीन, 0.9% चिकनाई, 1.9% मादा अज्जा, 2.4% रेशा और 12.3% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके मादनी और हयातीनी अज्जा में कैल्शियम 20 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 60 मिलीग्राम, आयरन 2.6 मिलीग्राम, विटामिन सी 6 मिलीग्राम और कुछ मकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शामिल है। 100 ग्राम अदरक में 67 कैलोरीज होती हैं। तजारती मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाला अदरक छिला या अनछिला होने की बुनियाद पर स्याह या सफेद अदरक कहलाता है। स्याह अदरक को बदले हुए पानी से स्काल किया जाता है और फिर धूप में कुछ कर दिया जाता है। सफेद किस्म को कुचने के बाद स्काल किए बगैर सुखा लिया जाता है। छीलने पीलिंग का अमल नहायत एहतियात से करना चाहिए और नहायत बारीक छिलका उतारना चाहिए, वरना इसके मखसूस अज्जा तेल, गंदा बलूदा, रेजन वगैरह का कसीर तरीन हिस्सा ज़ाया हो सकता है। चाहिए अदरक को पाउडर पाउडर की सूरत पीस लिया जाता है, मगर इसमें मैदा, अदरक का पेस्ट, छिलके वगैरह और अलसी सोल्यूशन भी मिला दी जाती है। चाइना में अदरक को छील कर एक मखसूस मैनूल में उबाला जाता है और फिर महसूस कर दिया जाता है। अदरक को पूरे ट्रॉपिकल खिता हवा एशिया, जापान, वेस्ट इंडीज, जनूबी अमरीका, मगरबी अफ्रीका में काश किया जाता है, मगर इसकी बेहतरीन किस्म हिंदुस्तान और जमैका में पाई जाती है। जैसा अदरक पड़ दिया, ठीक है। अब आप क्या अदरक हर किस्म की गजामे में मिसाल और खुशबू पैदा करता है। मसलन ठंडी तस्वीर वाले चावलों से लेकर गोश्त, चिकन और जिंजर ब्रेड सब का जायका अदरक की बदौलत बढ़ जाता है। ये जड़दार मसाला जमैका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चीन के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जनूबी एशिया में सदियों से खाने में इस्तेमाल हो रहा है। अदरक को मंदरजा दर तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन कलमे बनाना, इसे कैंडिड जिंजर चीनी के क्वाम में तैयार अदरक का मुरब्बा, कभी नाम सुना है आपने? खाया कभी? मुरब्बा बनता है अदरक का, अचार बनता है अदरक का। अदरक सिर्फ खाने में नहीं पड़ता, उसकी शक्लों में बनता है जी। अब कलमे बनाना क्या है, आपने कभी टीवी प्रोग्राम होते हुए देखे? टीवी प्रोग्राम चल रहे हैं, अदरक को काट के लंबे लंबे रेशे कलमों की तरह ऊपर डाल देते हैं, जूलियन कटिंग में वो कलमे बनाना है, ठीक है। अंग्रेजी लफ्ज जूलियन है, हमें हलिया और या इसकी सही तर्जमा जो है जूलियन का, वो धज्जिए बनाना। बात समझ गए ना? तो हम उसको ले आए कलमों की शक्ल में, कलमों के ऊपर डालते हैं अली में भी डलता है, चिकन जिंजर भी पड़ता है, निहारे भी पड़ता है, ठीक है, लंबे लंबे कटे हुए रेशेदार, ठीक है।
जब लच्छे की बात करेंगे तो प्याज होगा लच्छेदार प्याज कटा हुआ, अलग ही लच्छेदार कटा हुआ। सेम कैंडिड जिंजर चीनी के गुआ में तैयार करता है, कैंडिड जिंजर भी कहा जाता है, इसे शीरे में पकाया जाता है, इसे चीनी में डालकर लगाया जाता है ताकि इस पर अच्छी तरह लग जाए। इसे आमतौर पर किसी हालत में भी खा लिया जाता है या फिर स्वीडिश मीठों में इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में इसे घर पर तैयार करता है, आइसक्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है, नीला और पीच आरोग्य फ्लेवर में। ग्राउंड कटा हुआ अदरक, इसका जायका ताज़ा अदरक से अक्सर मुख्तलिफ होता है जो कि ज़्यादा देर नहीं लगता है, इसे बतौर उत्पादन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जिंजर ब्रेड स्पाइस केक कुकी जार स्टिपर और जिंजर स्नैक में इस्तेमाल किया जाता है। पिकल जिंजर अदरक का अचार, अदरक के बारीक स्लाइसेस और नमक सिरके और शीरे में महफूज करके एक चटपटी गार्निश सजावट के तौर पर पेश किया जाता है। में जब गुलाबी अदरक का अचार डाला जाए तो इसे गिरी कहा जाता है जो कि एक मशहूर सुशी मसाला है। महफूज शुदा अदरक हैदराबाद में दिखा फकीर का पेड़, ठीक फकीर के पेड़ से जब हम अंदर की तरफ आए शहर की तरफ, नीचे ना जाएंगे, अब नीचे ना उतरे, ऊपर की तरफ आए, फकीर की पेड़ से ऊपर की तरफ हम जब आ रहे हैं तो जहाँ चढ़ाई चल रहा है ना फकीर के पेड़ की, जैसे चढ़ाई खत्म होती दो गलियां ये मुड़ रही हैं, वहाँ हाफिज जी हैं अचार वाले, ठीक वो अभी भी डालते हैं जब उनके बैठे बैठे हुए अगर बैठे वो आप वो अदरक का अचार, अदरक का मुरब्बा मिलेगा, हीड़े का अचार, हीड़े का मुरब्बा हर किस्म का वहाँ वो उनके पास है। ग्रेचुए बहुत पुराने ग्रेचुए में सदर में एक बंदा है वो बनाता है, लाहौर में अकबरी दिल्ली दरवाजा देखा आपने खुआजे के पास कोने पे दुकान है, उसके अंदर एक अंदर दुकान है बड़ी होती है, बाहर छोटी कोने पे दुकान है हुक्को वाले के साथ, जहाँ हुक्के के तम्बाकू वम्बाकू के बैठे हैं ना वहाँ पे मिलता है, जो पुराने लोग हैं खाते हैं उसको घर में रखते हैं। जी इसे पका कर चीनी के गाढ़े शीरे में डाल दिया जाता है, फिर घर में हल नहीं घर में हल कैंटा लोग और तरबूज के टुकड़ों को ठंडा करके पर गर्मा नहीं होता इसे डाल दिया जाता है। जी ये ना यह इसे पकाकर चीनी गाढ़े शीरे में डाल दिया जाता है, फिर गर्मे के पीसेस टुकड़े कर लिए और तरबूज के टुकड़ों ठंडा करके इन पे डाला और खा लिया, बात समझे तस्वीरें चेंज हो गई। अब नारियल क्या है, क्योंकि शेफ आपको कोकोनट बहुत इस्तेमाल हो रहा है, कोकोनट ऑयल ठीक है, कोकोनट मिल्क, कोकोनट पाउडर, नारियल का पूरा, नारियल का दूध, नारियल का तेल ठीक है, कच्चा नारियल, साबुत नारियल, खोपरा उसी को कहते हैं, नारियल को खोपरा भी कहते हैं। शेफ की हैसियत से आपको इलम होना चाहिए कि क्या चीज़ है, इसकी तारीख क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है और इसमें हयातीन कितनी पाई जाती है, रज़ाई अंतर कितना है। नारियल 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा और किसी हद तक से पहलू रखता है, इस फल का इंतहाई बैरूनी हिस्सा कच्ची हालत में सब्ज और चमकदार होता है, पकने के अमल के साथ साथ ये हल्की और गोंडा हो जाता है, ये बैरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर वाटरप्रूफ और बहुत सॉफ्ट होता है, इस बैरूनी तह के नीचे सब रेशे की एक और तह होती है, ये तह